गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट विजन विथ लर्निंग इंग्लिश। यस्टरडे आई वाज नॉट एबल टू गिव माय लेसन, आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, बट टुडे वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गेट सम इम्पॉर्टेंट लेसन। टुडे I will continue the structure of simple present tense or present indefinite tense. In last class, I have taught all of you how to form sentences of affirmative. Today, I will teach you how to form structure of negative sentences. Negative sentences, my dear. The structure is subject and do does and then not and then verb one and then either object or complement or clause. It is the structure. The structure of negative sentence in simple present tense is subject and then do does. What is do does? Do or does is an auxiliary verb or a helping verb. It comes in simple present tense or present indefinite tense before main verb. प्यारे दोस्तों, ध्यान क्या रखना है बच्चों? ध्यान आप रखेंगे कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे ना, तो उसको डू नॉट डज नॉट के द्वारा चेंज होगा, और वो जो चेंज होगा, याद रखिएगा, वर्ब वन आएगा, हमेशा वर्ब वन यूज होगा उसमें। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि ऑलवेज ये वर्ब वन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं दो तीन एग्जाम्पल्स देके आपको समझा रहा हूं। I play cricket, ये है मेरा अफर्मेटिव का सेंटेंस है। आपको बतलाया गया कि इसे आप नेगेटिव में बदलें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंटू नेगेटिव, ठीक है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इंटू नेगेटिव। अब आपको नेगेटिव में इसको चेंज करना है, आई प्ले क्रिकेट है तो अभी क्या बोले, सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट आई है, अब डू नॉट या डज नॉट लगेगा। तो माय डियर, जितना भी सिंगुलर वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, तो जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, वहां पर डज नॉट लगाएंगे, और जहां पर प्लुरल सब्जेक्ट है वहां डू नॉट लगाएंगे। अपवाद है आई और यू, अपवाद है आई एंड यू, उसमें डू नॉट ही लगेगा, तो हो जाएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर रह गया ही वर्क्स हार्ड, तो क्या कर देंगे, ही ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में डज नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट वर्क हार्ड। स्ट्रक्चर आपका जो हुआ वो पहले सब्जेक्ट लिखे, फिर डू नॉट डज नॉट लिखे, फिर वर्ब वन लिखे, बाकी कॉम्प्लीमेंट आए, बाकी क्लाउज आए, बाकी ऑब्जेक्ट आए। आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन किस बात की है कि हम कहां डू नॉट यूज करेंगे, कहां डज नॉट यूज करेंगे। डू नॉट यूज होगा यदि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी प्लुरल सब्जेक्ट है, वहां डू नॉट यूज होगा। आई और यू ये दो अपवाद है। आई यू के बाद जितने भी प्लूरल हैं, आई यू के अलावे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, उसके साथ हम लोग डज नॉट यूज करेंगे, क्योंकि डू नॉट यूज करेंगे, कंफ्यूजन नहीं रखना है, डज नॉट नहीं, डू नॉट यूज करना है, डू नॉट यूज करना है। कहां पे डू नॉट यूज करना है, जहां प्लूरल सब्जेक्ट है, याद रखिएगा।
लगता है ये मार्कर चेंज करना पड़ेगा, ये डू नॉट यूज करेंगे, ठीक है। कहां पे डू नॉट यूज करेंगे? अगर सब्जेक्ट आई है, अगर सब्जेक्ट यू है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर डू नॉट यूज किया जाएगा। इसको हम लोग डू नॉट के रूप में लिखेंगे। और अगर सब्जेक्ट हमारा सारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सोचना ही नहीं है, डज नॉट लगाना है। डज नॉट को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो आपको दो तरह से इसमें क्वेश्चन मिलेंगे कि आप सेंटेंस फॉर्म करो नेगेटिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसका स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ, या फिर आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए आएगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो इस तरह का जब ट्रांसलेशन आएगा तो उसमें भी आप यही लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट, और फिर आगे लिखेंगे बच्चे नहीं खेलते हैं, बॉयज डू नॉट प्ले, बच्चा नहीं रोता है, द बेबी डज नॉट क्राई, लड़के मैदान में नहीं खेलते हैं, बॉयज डू नॉट प्ले इन द प्ले ग्राउंड, मेरे माता पिता नहीं झगड़ते हैं, माई पेरेंट्स डू नॉट क्वारेल। वेरी इजी। इसको आप इजीली न सिर्फ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बल्कि बदल भी सकते हैं। एसर्टिव को आप नेगेटिव में लिख सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव ट्रांसलेशन भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी जिस वर्ब हिंदी क्रिया के अंत में ता है ती है रहेगा और नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला है, तो आराम से हम उसमें डू नॉट डज नॉट के साथ उसे बना सकते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप सीख जाएंगे। ध्यान दीजिए इस बात को मेनली कि कहां पर डू नॉट यूज करेंगे, कहां पर डज नॉट यूज करेंगे। तो ये आपका इजी वे में स्पोकन भी होगा, मैं आम नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू मार्केट, बच्चे हल्ला नहीं करते हैं, चिल्ड्रेन डू नॉट मेक ए नॉइस, तुम प्रतिदिन व्यायाम नहीं करते हो, यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली, तुम नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हो, यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, वह हमेशा सत्य नहीं बोलता है, वह हमेशा सत्य नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। तो कितना आसान है, जब हमको मिलेगा पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका जब हमको नेगेटिव बनाना होगा तो पहले टेंस देखेंगे, वो किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। कैसे जानेंगे, वर्ब वन और वर्ब फाइव दिया हुआ है, दो में से कोई एक है, या तो एस एस वाला फॉर्म है या ओरिजिनल फॉर्म है, तो उसमें डू नॉट डज नॉट अप्लाई कर देंगे, बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। ट्रांसलेशन में हिंदी क्रिया के अंत में ता है ती है और नहीं वाला सेंटेंस है तो डू नॉट डज नॉट लगाएंगे। कहां लगाएंगे जी, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, मेन वर्ब से पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद बीच में आएगा, मेन वर्ब हो गया जो एक्शन वर्ड है, खाना खेलना पढ़ना लिखना दौड़ना जाना, ये मन वर्ब हो गया, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, और उसका एक्जिलरी वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज लगेगा, जो कि छुपा हुआ रहता है, आई रीड, यानी कि वहां पर डू छुपा हुआ है, आई डू नॉट रीड, ही रीड्स, तो डज छुपा हुआ है, ही डज नॉट रीड। उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेसन बहुत पसंद आया होगा, और इसे मैं कंटिन्यू रखूंगा, इस टेंस को, इस ट्रांसलेशन को, इस फॉर्मेट को, इस स्ट्रक्चर को अगर आप रेगुलरली ध्यान से व्यू करेंगे, वॉच करेंगे, और उसे केयरफुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ लर्न करने का प्रयास करेंगे, तो आपको कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है,
मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं आपका स्पोकन भी सही होगा, रिटर्न भी सही होगा, आप अपने छोटे भाई बहन बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, आपका हर चीज स्ट्रांग हो जाएगा इंग्लिश में। बस सिर्फ कंसंट्रेट करना है, रेगुलरली मेरे वीडियो को वॉच करना है, अपने सर्किल में भी उसको स्प्रेड करना है, अपने सर्किल में पास करना है कि भाई से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, रेगुलरली आएगा और आपका इंटरटेन के साथ पढ़ाई होगा, जानकारी होगी। मैं फिर पोएम डालने जा रहा हूं, स्टोरी डालने जा रहा हूं और कल संडे में आपके बच्चों के लिए योगा और एक्सरसाइज का प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं कि कैसे आपके बच्चे जो ओबेसिटी के शिकार हो गए हैं आज के युग में, वो कैसे फिट रहे। इजी एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, बाय बाय।